तो दोस्तों देख सकते हैं कि कभी मेरे डेस्कटॉप का आइकॉन्स हाइड हो जा रहा है और कभी ये शो हो रहा है। आखिर ये हाइड और शो कैसे हो रहा है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बतलाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कि कभी मैं डेस्कटॉप के आइकॉन्स को बड़ा कर दे रहा हूँ, कभी मीडियम और कभी छोटा कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा छोटा मीडियम करके मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको पूरा सिखाएंगे कि कैसे आप अपने डेस्कटॉप के आइकॉन्स को हाइड कर सकते हैं, कैसे अपने डेस्कटॉप के आइकॉन्स का साइज जो है वो छोटा बड़ा या फिर मीडियम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए। तो गाइज अगर आप डेस्कटॉप के आइकॉन को छिपाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने डेस्कटॉप के किसी भी खाली जगह में राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आप यहां देख सकते हैं कि आपके सामने एक ऑप्शन खुलता है। यहां पर जो पहला ऑप्शन आपको मिलता है व्यू, आपको इस व्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक मेनू और खुल जाता है। इस मेनू में आपको नीचे की तरफ यहां एक ऑप्शन मिलता है शो डेस्कटॉप आइकॉन्स। अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर राइट साइन है, यानी कि अभी डेस्कटॉप आइकॉन्स दिखा रहा है। अगर आप दोबारा यहां क्लिक कर देते हैं तो आपका डेस्कटॉप का आइकॉन्स छिप जाएगा। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करके आपको दिखाता हूं कि मेरा डेस्कटॉप का आइकॉन्स छिपता है कि नहीं। जैसे ही मैंने शो डेस्कटॉप आइकॉन पर क्लिक किया आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप का आइकॉन्स छिप गया है। इसे लाने के लिए दोबारा आपको राइट क्लिक करना है, फिर से आपको व्यू में जाना है और जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करते हैं एक और मेनू खुल जाता है। इस मेनू में नीचे यहां पर देखिए वही ऑप्शन आपको मिलता है शो डेस्कटॉप आइकॉन्स, लेकिन अभी आपको राइट का साइन नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर आप दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो आपका डेस्कटॉप आइकॉन शो हो जाता है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने शो डेस्कटॉप आइकॉन्स के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि मेरे डेस्कटॉप पर आइकॉन्स आ चुका है। तो इस तरह से आप आइकॉन्स को शो और हाइड कर सकते हैं, मतलब छिपा सकते हैं और ला सकते हैं। अब देखिए अगर आइकॉन्स के साइज को बड़ा करना है तो फिर से आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद दोबारा आपको व्यू में जाना है। जैसे आप व्यू में जाते हैं एक मेनू और खुलता है। यहां पर आपको देख सकते हैं ऊपर में ये तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला ऑप्शन है लार्ज आइकॉन्स, अगर आपको आइकॉन्स बड़ा करना है तो लार्ज पर क्लिक करिए। मीडियम साइज चाहिए तो मीडियम साइज पर क्लिक करिए और छोटा साइज चाहिए तो छोटे साइज पर क्लिक करिए। आप इसको कीबोर्ड के शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड के शॉर्टकट से करने के लिए ये देखिए यहाँ पर शॉर्टकट कमांड दिया हुआ है, आप इसका भी इस्तेमाल करके अपने डेस्कटॉप के आइकॉन्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल मैं चलिए आपको लार्ज आइकॉन्स पर क्लिक करके आइकॉन्स को लार्ज करके दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे लार्ज आइकॉन्स पर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही मैंने लार्ज आइकॉन्स पर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि मेरे डेस्कटॉप का सारा आइकॉन्स जो है लार्ज यानी बड़ा हो गया है। अब इसको मीडियम या फिर छोटा करने के लिए दोबारा आपको राइट क्लिक करना है, व्यू में जाना है और यहां से जो भी आपको ऑप्शन चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, आपके डेस्कटॉप का आइकॉन्स वही हो जाता है। तो मैं मीडियम पसंद करता हूं, मैं मीडियम के ऊपर क्लिक कर देता हूं। देखिए जैसे ही मैंने मीडियम के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि मेरे डेस्कटॉप के सारे आइकॉन्स मीडियम साइज के हो चुके हैं।